सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाए। नमस्कार, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अगर आपका चेहरा थोड़ा बहुत सांवला है, अगर आप अपने चेहरे को थोड़ा सा गोरा बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने चेहरे में एक नया नूर निखार पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा नुस्खा जो कि आपके चेहरे के गोरेपन को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करेगा और आपके चेहरे में एक नई चमक आएगी। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक छोटा सा बेल का आइकॉन होगा, उसे जरूर दबा लेना दोस्तों। उससे होगा ये हमारी जो इस प्रकार की नई वीडियो रहेगी जो कि एग्जैक्ट सुबह 11 बजे आ जाती है, आपको एग्जैक्टली मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, ये जो नुस्खा है इसका प्रयोग आपको रात को सोने से पहले करना है। इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी दोस्तों, और चारों चीजों को मिला करके हमारा नुस्खा पूरी तरीके से बनेगा। यहां जो सबसे पहली चीज आपको यूज करनी है वो है दोस्तों वैसलीन। आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको वैसलीन लेकर के कम से कम अपने फेस के हिसाब से इतना सा, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वैसलीन थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेकर के अपनी फैमिली के लिए भी आप बना सकते हैं। तो आप क्या करें कि इस प्रकार से वैसलीन ले लें, और इसके बाद यहां जो आपको दूसरी चीज प्रयोग करनी है दोस्तों वो आप थोड़ी ध्यान दें, वो है दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे चेहरे में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लाता है दोस्तों। इसको कितने मात्रा में यूज करना है आइए जानते हैं। इतना सा ग्लिसरीन आपको इस नुस्खे में यूज करना है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसमें डाल दें, और इसके बाद इसमें आपको आधा चम्मच एलोवेरा जेल यूज करना है। आधा चम्मच इस प्रकार से आप इसमें एलोवेरा जेल डालें, और इसके बाद इन सभी चीजों को मिलाएं। अब जब आप इन सभी चीजों को मिला लेंगे, तो आपको यहां कम से कम आधा चम्मच के आसपास इस प्रकार से आपको जो है गुलाब जल इस्तेमाल करना है। गुलाब जल इसमें डालिए, और आपका यह नुस्खा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो नुस्खा है हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, ये कम से कम इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद इन सभी चीजों को आप इस प्रकार से मिलाएंगे, और ये जो है मैंने डेमो के तौर पर आपको बताया, आप अपने फैमिली के अनुसार जो है इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आप इस प्रकार से मिलाएंगे, तो आपका जो ये जेल है, ये जो सीरम है, ये तैयार हो चुका है। और आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसको अपने स्किन पर पहले चेहरे को गुनगुने पानी से धोने के बाद आप अपनी स्किन पर इसे इस प्रकार से अच्छी तरीके से राउंड एंड राउंड आप जो है मसाज करेंगे, और देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो है धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है इस नुस्खे को लगा करके सो जाएंगे, और सवेरे उठने के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिएगा। ये जो नुस्खा है दोस्तों बहुत ही तेजी से आपके चेहरे में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा, सिर्फ 8 या 10 दिनों के अंदर में। आपका चेहरा तेजी से गोरा तो होगा ही, साथ ही साथ अगर गोरा ज्यादा नहीं भी हो पाता है तो भी आप अपने चेहरे में बहुत ही असरदारी और बहुत ही चमत्कारी असर, आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। तो आप जो है इस नुस्खे को जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही इजी नुस्खा है, कोई ज्यादा जो है यहां मैंने चीजें इस्तेमाल नहीं की है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, उसे जरूर दबाना। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी और इस प्रकार के नए नुस्खे और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।